प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जो कि 2022 का क्वेश्चंस जो पूछा गया था वो डिस्कस कर रहे थे और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया था। अब तक आपने देखा कई सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसका प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे इस कोर्स में मिल जाएंगे, आप उस कोर्स नोट्स को भी जो है चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एग्री करता है कोई भी प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए, जिसमें एक फिक्स्ड एंड एग्री अपॉन प्राइस होता है जो कि बेस्ड होता है डिटेल प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस और प्लान के बेसिस पे कि लगभग हम जो है इतना पैसा चार्ज करेंगे। जो लमसम टर्म है ये सिंगल प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर रिसीव करता है अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को जब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है उसके बाद बात किया जाए एडवांटेज के बारे में, तो प्राइस सर्टेनिटी होता है, मतलब प्राइस एक बार ही मिलता है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट का दैट इट प्रोवाइड्स प्राइस सर्टेनिटी फॉर बोथ द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। जो एग्रीड अपॉन लमसम प्राइस होता है रिमेंस फिक्स्ड, वो क्या होता है फिक्स्ड होता है थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉस्ट इंक्रीजेज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, है ना, डैट मे अकर, है ना, जो कि अकर होता है। दिस अलाउ द क्लाइंट टू एक्यूरेटली बजट फॉर द प्रोजेक्ट एंड एस्टिमेट द रिस्क ऑफ कॉस्ट ओवररन्स, रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है वो कम होता है, क्लियर प्रोजेक्ट का स्कोप, जो प्रोजेक्ट का स्कोप होता है वो क्लियर होता है, स्पेसिफिकेशन जो है वेल डिफाइंड आपका होता है, रिस्क एलोकेशंस होते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट में, क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो एलोकेट किया जाता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क टू द कॉन्ट्रैक्टर, सिंस कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द एग्रीड अपॉन प्राइस दे वियर द रिस्क ऑफ एनी कॉस्ट ओवर रन्स और डिले। कंपटेटिव बिडिंग होता है क्योंकि लमसम कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसा दिया जाता है वो अच्छा खासा दिया जाता है और कंपटेटिव बिडिंग होता है कि भाई आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, इतना पैसा में आपको ये प्रोजेक्ट को जो है क्या करना है कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है जो कि क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट रिस्क डू जनरल कॉन्ट्रैक्टर इनक्योर बाई यूजिंग सब कॉन्ट्रैक्टर। क्या रिस्क होता है जनरल कॉन्ट्रैक्टर का जब वो सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाता है? तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर कैन इनक्योर सेवरल रिस्क व्हेन यूजिंग सब कॉन्ट्रैक्टर। क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है मार खाता है, प्रोजेक्ट जो है डिले हो सकता है ना। दूसरा वही है कि प्रोजेक्ट जो शेड्यूल होता है वो डिले हो जाता है। तीसरा कोऑर्डिनेशंस एंड कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन जो है देखने को मिलता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखना को मिलता है और कन्फ्लिक्टिंग शेड्यूल अमंग द सब कॉन्ट्रैक्टर। फाइनेंशियल रिस्क भी देखने को मिलता है, सब कॉन्ट्रैक्टर में इनकाउंटर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और गो आउट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। इफ अ सब कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कम्प्लीट देयर वर्क और फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जनरल कॉन्ट्रैक्टर मे हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट वीकली, जितना जल्द से जल्द हो सके उसको रिप्लेस करके दूसरा लाया जाए। रेपुटेशंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, जो रेपुटेशंस होते हैं और जो क्लाइंट रिलेशनशिप्स होता है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ अ सब कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्म अ सब पर एंड दे काउज इशूज विद इन प्रोजेक्ट इट रिफ्लैक्ट पुअरली ऑन द जनरल कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट सेटिस्फैक्शंस एंड ट्रस्ट कैन बी कॉम्प्रोमाइज पोटेंशियली लीडिंग टू अ डैमेज रेपुटेशंस। मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद द लिएबल सब कॉन्ट्रैक्टर एंड
एंड क्लोजली मॉनिटरिंग देयर वर्क कैन हेल्प मिटिगेट दिस रिस्क. मतलब जो भी रिपोर्टेशंस होता है प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आपका जो रिपोर्टेशंस है वो ऑब्वियसली आपका ख़राब होगा. ओके, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो एग्रीमेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है लीगल बाइंडिंग इन्फोर्सेबल बाई एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज. जो एग्रीमेंट होता है कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड होता है ना, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होता है. एग्रीमेंट मे बी और मे नॉट हैव लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होता है. एग्रीमेंट कैन फॉर्म्ड थ्रू म्यूचुअल कंसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग. एग्रीमेंट रिक्वायर्स ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. एलिमेंट्स के बारे में बात किया जाए तो एग्रीमेंट मे नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक एलिमेंट्स बट मस्ट हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिक्वायर करता है एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. बात किया जाए एग्रीमेंट का तो एग्रीमेंट कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ मैटर्स इंक्लूडिंग पर्सन्स एंड नॉन लीगल मैटर्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफन यूज्ड फॉर कॉमर्शियल और लीगल मैटर्स. एग्रीमेंट जो होता है वो आपका बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होता है टू फुलफिल. एग्रीमेंट में और मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग बट कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली बाइंडिंग होता है एंड इन्फोर्सेबल होता है. एग्रीमेंट रेमेडीज फॉर ब्रीच मे बी लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टेंट बट कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रेमेडीज होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप तोड़ते हैं तो. एग्रीमेंट कैन बी रिटेन और वर्बल और फॉर्मल और इनफॉर्मल. बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो राइटिंग में होता है और उसमें इंश्योर किया जाता है क्लैरिटी और एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट का. एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो सोशल एग्रीमेंट्स, जेंटलमैंस एग्रीमेंट, MOU, ये सारा एग्रीमेंट का एग्जाम्पल्स हैं. कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल बात किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लीज एग्रीमेंट, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आता है. बात किया जाए अगला क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बताना है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी जो होता है ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच वन पार्टी एग्रीज टू कंपेंसेट द अदर फॉर एनी लॉस ऑफ डैमेज सफर्ड. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी जो है प्रॉमिस करता है टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्थ और ऑब्लिगेशन टू अनदर पार्टी. मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी को करता है. बात किया जाए हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में दो पार्टी होता है, इंडेमिनिफायर जो कि प्रोमिसर होता है और दूसरा इंडेमिनिटी होल्डर जो कि प्रोमिसी होता है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है आपका तीन पार्टी होता है, प्रिंसिपल, डेबिटर जो कि डेबिटर होता है, क्रिएटर, क्रेडिटर्स और सिरेटर्स यानी गारंटर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ डैमेज और सफर्ड बाय द इंडेमिनिटी होल्डर्स. बट आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपका होता है इंश्योर करता है परफॉर्मेंस ऑफ डेप्थ एंड ऑब्लिगेशन बाय द प्रिंसिपल डिबेटर्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में प्राइमरी लियबिलिटी जो होता है वो इंडेमिनिफायर्स होता है जो कि डायरेक्टली लियेबल टू द इंडेमिनिटी होल्डर्स होता है. और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सेकेंडरी लियबिलिटी होता है जिसमें गारंटर जो होता है वो लियेबल होता है ओनली इफ द प्रिंसिपल डिबेटर्स फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस.
उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटी एग्जिस्ट करता है, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमारा इन्वॉल्व होता है फ्यूचर और कंटिजेंट ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कंसिडरेशन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन नेसेसरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में टर्मिनेट्स होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट्स और फुलफिलमेंट ऑफ द इंडेमनिफायर लायबिलिटी, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में टर्मिनेट्स व्हेन डेब्ट और ऑब्लिगेशन गारंटी इज डिस्चार्ज और पार्टीज एग्रीज टू रिलीज द गारंटर, है ना। तो इस तरीके से कई सारे डिफरेंसेस मैंने बता दिया, और भी डिफरेंसेज है जिसे आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो है आपका जितने नंबर का पूछे उतना आप डिफरेंस बता दिए काफ़ी है, और उससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी 6 नंबर क्वेश्चंस जो कि मैं यहाँ पे आपके लिए अभी होमवर्क के तौर पे आपके लिए रख रहा हूँ, जो कि है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज फ्री कंस्टेंट एंड लॉफुल कंस्टेंट। इन पे जो है आप क्या करें, एक शॉर्ट नोट्स आप लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करें, या चैट जो ग्रुप है, है ना, चैट ग्रुप जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया ऐप पे, इंजीनियर प्लस ऐप पे, इस चैट ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस को बनाकर। तो ज़रूर बना के शेयर करिएगा, इससे क्या होगा, एक पता चलेगा कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे सीरियसली तरीके से अपना क्लासेज जो है कर रहा है। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।